हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय आर्ट चैनल। तो लास्ट की वीडियो में हमने डेक्कन स्कूल की फर्स्ट पेंटिंग की थी, जिसका नेम था रागनी पट हमसिका। एंड आज हम करेंगे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो। ये पेंटिंग है, बहुत फेमस पेंटिंग है एंड बहुत इम्पोर्टेंट पेंटिंग है। ये आप देख ही सकते हो, पेंटिंग को देख के पता चलता है कि यहाँ पे जैसे कि है हज़रत निज़ामुद्दीन एंड ये उसका स्टूडेंट है अमीर खुसरो। ये दोनों बैठे हुए हैं टेरेस पे, आप देख ही सकते हो, क्लियर हो रहा है जो देखते हैं, जो दिख रहा है पेंटिंग में, हमने बस वही एक्सप्लेन करना। लेट्स स्टार्ट। पेंटिंग का नेम है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो। ये जो दो नेम हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन, ये जो फिगर है, ये है हज़रत निज़ामुद्दीन जो कि एक सूफ़ी थे। दिल्ली में इनकी दरगाह भी बनी हुई है, हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह, जो कि बहुत फेमस है। एंड अमीर खुसरो, ये है अमीर खुसरो जो कि एक म्यूजिशियंस था, पोएट था, स्कॉलर भी था इंडिया का। ये इसका स्टूडेंट था अमीर खुसरो, जो था हज़रत निज़ामुद्दीन का स्टूडेंट था। अब ये हो गया पेंटिंग का नेम। आर्टिस्ट इसका अननोन है, पता नहीं है किसने बनाई है। स्कूल जो इसका हैदराबाद स्कूल है, डेक्कन स्कूल में बनी है। पीरियड है इसका 1750 to 1770 AD। इस टाइम में ये पेंटिंग बनी है। जो मीडियम है वाटर कलर ऑन पेपर टेम्परा टेक्निक। लोकेशन इसकी भी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। तो लेट्स स्टार्ट। अब इसका सब्जेक्ट मैटर देखते हैं, इसमें इन्होंने क्या बताया है। किसी भी पेंटिंग को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखने से पहले उसका सब्जेक्ट मैटर लिखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दिस पेंटिंग इज़ बेस्ड ऑन द डिस्कशन बिटवीन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो ऑन अ रिलीजन सब्जेक्ट। अमीर खुसरो वाज़ अ स्टूडेंट ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया। अभी आप देख सकते हो कि ये वर्टिकल पेंटिंग है एंड इसमें कुछ रिलीजियस टॉपिक चल रहा है, मतलब ये किसी धर्म पे या कुछ भी बात कर रहे होंगे। दोनों के बीच में कुछ डिस्कस हो रहा है, आप देख ही सकते हो। एंड जो ये जो ये अमीर खुसरो था, ये इसी का स्टूडेंट था, यहाँ पे भी लिखा हुआ। लेट्स स्टार्ट डिस्क्रिप्शन। दिस पेंटिंग ऑफ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। जैसे ये पेंटिंग है, हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि ये वाला हो गया अपर पार्ट एंड इसके नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो दो स्टेप दिखाए हैं, ये हो गया हमारा लोअर पार्ट। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। फोरग्राउंड, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो आर सिटिंग ऑन रूफ एंड डिस्कस ऑन अ रिलीजियस सब्जेक्ट। फोरग्राउंड में देख सकते हो जो हज़रत निज़ामुद्दीन है एंड अमीर खुसरो है, ये एक रूफ के ऊपर बैठे हैं एंड किसी रिलीजियस सब्जेक्ट के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे हैं। द रूफ हैज़ ऑरेंज कारपेट। अभी जो रूफ है उसका देखो, ये नीचे कारपेट है, ऑरेंज है, लाइट ऑरेंज कलर है, मतलब ऑरेंज में थोड़ा उन्होंने येलो ऐड किया है तो वो लाइट हो गया। अब ये ऑरेंज का भी शेड आ रहा है एंड येलो का भी शेड आ रहा है। बोथ आर वेयरिंग मुस्लिम ड्रेस, दोनों ने मुस्लिम ड्रेस वेयर किया, आप देख सकते हो उनकी जो टर्बन है वो सब मुस्लिम है। इनका नेम से ही पता चलता है कि मुस्लिम है एंड ड्रेस भी मुस्लिम ही डालेंगे। अमीर खुसरो हैज़ रेड कलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन हिज हैंड। जो ये अमीर खुसरो है, इसके हैंड में एक रेड कलर का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको उसने अपने राइट हैंड से पकड़ा है। अमीर खुसरो ड्रेस इज़ अ ब्राउन एंड ग्रीन कलर। जो अमीर खुसरो की आप ड्रेस देख सकते हो, ये जैसे ग्रीन में ना हम थोड़ा सा ब्राउन ऐड करते हैं तो ये कलर बन जाता है, तो उसकी ड्रेस में ब्राउन एंड ग्रीन देख सकते हैं। डेकोरेटेड विद एम्ब्रॉयडरी एंड उसकी ड्रेस पे देखो आप, कहीं कहीं पे एम्ब्रॉयडरी भी हुई है।
सेम वे हजरत निज़ामुद्दीन औलिया शो विद ग्रीन ड्रेस, इसी की तरह हजरत निज़ामुद्दीन ने ग्रीन ड्रेस वेयर की है। बोथ हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्बन ऑन हेड्स, दोनों की जो टर्बन है जो उन्होंने अपने हेड पे वेयर की है डिफरेंट है। ये जैसे अकबर पहनता था ये थोड़े उस स्टाइल की होगी एंड इनकी थोड़ी दूसरी है, इसकी जो है ड्रेस के साथ मैच कर रही है एंड इसका थोड़ा कलर डिफरेंट है एंड उसका डिज़ाइन भी डिफरेंट है। अमीर खुसरो'स टर्बन इज़ लाइक मुस्लिम, देखो इसकी जो टर्बन है वो मुस्लिम की तरह है, मुगल्स की तरह है। वाइल हजरत औलिया'स टर्बन इज़ राउंड विद रेड एंड ग्रीन कलर, जो इसकी टर्बन है वो थोड़ी राउंड शेप में आ जाती है, ये ग्रीन एंड रेड कलर है। हजरत औलिया'स हेड हैज़ अ येलो कलर रिंग एट द बैक विच गिव्स ऑरेंज रेज। अब जैसे ये हज़रत निज़ामुद्दीन है, ये बहुत बड़े सूफ़ी थे एंड इसके हेड के पीछे आप देख सकते हो एक येलो कलर की रिंग दिखाई है जिसमें से गोल्डन कलर की जो रेज है, जो किरणें हैं वो निकल रही है, ऐसा जैसे कोई भी गॉड है उसकी बैकग्राउंड पे हमें ये देखने को मिलता है। कोई भी आप गॉड की पेंटिंग देख लो, क्योंकि जो पवित्र आत्माएँ होती हैं, मतलब स्पिरिट होती है, मतलब जो जिसमें कुछ शक्ति होती है जो भगवान से रिलेटेड होता है या भगवान का ही रूप होता है, उसी उन्हीं को ऐसे दिखाते हैं, मतलब उन्हीं के हेड के पीछे ये रिंग दिखाते हैं, हर एक के पीछे नहीं दिखाते। जैसे इनके हेड के पीछे ये रिंग है एंड उसमें से जो प्रकाश है निकल रहा है, जो किरणें हैं वो निकल रही हैं। अ बिग वाइट बियर्ड इज़ ऑफ हज़रत औलिया एंड अमीर खुसरो'स बियर्ड इज़ ब्लैक। अभी आप देख सकते हो जो ये हज़रत निज़ामुद्दीन है इनकी जो बियर्ड है वो वाइट कलर की है एंड जो अमीर खुसरो है इनकी ब्लैक, थोड़ी सी ब्लैक है। तो इससे दोनों की एज का भी डिफरेंस दिख रहा है कि इनकी काफ़ी एज है एंड ये अभी थोड़े ठीक है, जवान से ही है। In front of them there are two gardens which are having two step going up to the roof. इन्हीं के सामने यहाँ पे गार्डन दिखाए हैं, ये देखो इन्हीं के सामने गार्डन दिखाए हैं एंड ये पाथ बना हुआ है, रास्ता है एंड उसके बाद दो स्टेप्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं रूफ तक जाने के लिए। On the roof there are red wooden grills. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रूफ है एंड उस पर जो रेड कलर की ग्रिल्स है वो लगी हुई है। In the background we can see the plant of flowers. Background में हमें देखो plants of flower दिखाई दे रहे हैं, ये देखो प्लांट्स लगे हुए हैं। राइट बैक ऑफ हजरत निज़ामुद्दीन औलिया इज़ अ बिग ट्री ऑफ ब्राउन कलर विच इज़ फुल ऑफ ग्रीन लीव्स एंड येलो ऑरेंज फ्लावर्स। हजरत निज़ामुद्दीन के बैक साइड पे आप देख सकते हो एक बहुत बड़ा ट्री दिखाया है इन्होंने यहाँ पे, जिसके लीव्स जो हैं वो लाइट एंड डार्क ग्रीन कलर के हैं एंड उस पर येलो एंड ऑरेंज फ्लावर लगे हुए हैं, देख सकते हो आप। Background is of light and dark blue color. जो background है वो light and dark blue color, जैसे यहाँ पे dark blue हो गया and उसके बाद इधर यहाँ पे light blue color का किया हुआ है। In some place we can see violet color also. कुछ place पे हमें violet color भी दिखता है, जैसे कहीं shade में, जैसे इसकी यहाँ पे shadow है, थोड़ा violet color आ जाता है इधर आप देख सकते हो, कहीं कहीं पे यूज़ किया है उसकी, बस जस्ट शेड है वो हमें दिखाई दे रहा है। बोथ फेसेस आर इन प्रोफाइल, यानी कि एक चश्मा एंड डेढ़ चश्मा, दोनों की जो फेस है अभी आप देख सकते हो एक चश्मा साइड प्रोफाइल है, इसकी वन आई ही दिख रही है एंड जो ये है इसकी एक आई पूरी दिख रही है, दूसरे हाफ दिख रहे हैं, तो ये डेढ़ चश्मा हो गया, मतलब प्रोफाइल एंड थ्री प्रोफाइल फेस है दोनों का। In the center a white color lamp is there.
सेंटर में हमें एक लैम्प भी दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे एक लैम्प है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो धुआं है वो भी दिख रहा है, वाइट कलर का भी यहाँ पे कुछ पड़ा है, शायद उसमें कुछ जैसे खाने का सामान होता है, ट्रे वगैरह यहाँ पे कुछ है, आप देख लेना अपनी पेंटिंग में। हज़रत उलिया हैज़ अ रेड कलर बुक एंड अ बुक स्टैंड ऑफ ब्राउन कलर कैन आल्सो बी सीन। हज़रत निज़ामुद्दीन के पास एक यहाँ पे रेड कलर की बुक भी है जिसके ऊपर यहाँ पे ब्राउन कलर से थोड़ा पैटर्न बना हुआ है, कुछ बना हुआ है। फुल पेंटिंग इज़ रिलीजियस, जो हमारे पूरी पेंटिंग है, ये पूरी पेंटिंग जो है रिलीजियस पेंटिंग है, ज़्यादातर इन्हीं से पता चल रहा है कि रिलीजियस पेंटिंग है। इन द 18th सेंचुरी डेक्कनी आर्ट हैज़ अ न्यू इरा इन डेक्कन। 18th सेंचुरी में डेक्कनी आर्ट का एक न्यू इरा, मतलब नया युग देखने को मिलता है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, इट हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम मुगल आर्ट। ये उसी के एग्जाम्पल है एंड ये पेंटिंग है मुगल आर्ट के द्वारा ही पेंट की गई थी। आप देख ही सकते हो मुगल का इफेक्ट देखा है जा सकता है। तो ये होगी हमारी पेंटिंग हज़रत निज़ामुद्दीन उलिया एंड अमीर खुसरो। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।